आइए अब हम इस टॉपिक के दूसरे वीडियो को देखते हैं, जो कि बोर्स के मॉडल के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। तो बोर्स के मॉडल के रिजल्ट क्या थे? बोर ने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टेशनरी स्टेट्स में ही घूम सकते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और इन ऑर्बिट्स की नंबरिंग हम पॉजिटिव इंटीजर से देते हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दूसरा कि ये जो ऑर्बिट्स है इनकी साइज फिक्स है, और इनकी जो रेडियाई है, मतलब कि एक ऑर्बिट की जो रेडियस है, वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू a नॉट, जहां पे a नॉट आपकी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, और इसकी वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। उनका तीसरा रिजल्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोई भी ऑर्बिट में हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस RH इनटू 1/n² जूल्स। यहाँ पे RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी −2.18 × 10⁻¹⁸ जूल के बराबर है, और सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी −0.545 × 10⁻¹⁸ जूल की बराबर है। ऐसे करते 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 अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट आपके जीरो के बराबर है। उनका फोर्थ रिजल्ट ये था कि अभी तक हमने ये सारे फॉर्मूलास हाइड्रोजन के लिए अप्लाई किए थे, तो यही सेम फॉर्मूलास वो और भी एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस, हीलियम में जनरली दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो हम बोर्स की थियोरी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ में भी। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि ये जो सारे फॉर्मूलाज है इनमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या? कि जो आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या? कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू −2.18 × 10⁻¹⁸ × z²/n² जूल्स। यहाँ पे z आपका एटॉमिक नंबर है। सिमिलरली रेडियस का जो फॉर्मूला है वो चेंज होके हो जाएगा आपका RN × 52.9 × n² / z पिकोमीटर। उनका पांचवा रिजल्ट था कि जो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.165 × 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर से।